विनय तिवारी को लेकर पटना आईजी ने बीएमसी को खत लिखा है। बिहार डीजीपी ने स्टेटमेंट दिया कि कोई जरूरत नहीं थी, हमने महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन का पूरा अध्ययन किया और उससे ये समझ में आया कि विनय तिवारी को क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि विनय जब यहाँ से गए थे उन्होंने मुंबई पुलिस से जो है बात की थी, व्हीकल के लिए बोला था और आईपीएस मेस के लिए बोला था, लेकिन वो सब तो खैर मेस नहीं मिला, लेकिन उनको पता था कि वो आ रहे हैं। पटना के सीनियर एसपी ने भी बांद्रा एसपी से बात कर ली थी कि हमारे एक अफसर इस तरह से आ रहे हैं, उनको सूचित कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने जो गाइडलाइन का अध्ययन किया है उससे ये पता चला है कि उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता था, लेकिन फिर भी जो है उनको किया गया है क्वारंटाइन। ये बहुत ही गलत हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी टीका की है। आईजी जो है बीएमसी कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने जो किया है सही नहीं किया, हम सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेटर ड्राफ्ट हो गया है और बहुत ही जल्दी उन्हें एक घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो जो क्वारंटीन किया गया है वो बहुत ही अनुचित कदम उठाया गया है उनकी तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से। तो इस बात पर बिहार के डीजीपी ने कहा कि मैंने जो अध्ययन किया उससे ये बात पता चली कि इनको क्वारंटीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, हम पहले से ही इन्फॉर्म करके गए थे, उनको पता है कि वो आ रहे थे, हमने व्हीकल की मांग की थी, मैस की, रहने की सुविधा की मांग की थी, और उसके बाद जो है ये कदम उठाया गया, ये वाकई में काफ़ी निंदनीय है।